कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है और आपस के रंजिश के तहत कुछ छिटपुट घटना होती है। अगर कोई घटना किए हैं, हमारे विधानसभा में भी हुआ है, आज मैं प्रश्न उठाऊंगा। मर्डर हुआ है एक स्वर्ण व्यवसायी की, मधुबनी नहीं, मेरे विधानसभा बिस्फी में, सिमरी में हुआ है, उसको उठाएंगे। दोषी कितना भी मजबूत क्यों न हो, पताल से ढूंढ करके उसको सजा दिया जाएगा। अच्छा, उनकी जीत है तो अपने समय में क्यों नहीं किए? उनके भी पिताजी माननीय लालू जी तो थे रेल मंत्री, मनमोहन सिंह को 10 वर्ष समर्थन किए थे, उससे पहले तो कांग्रेस का विरोध करते थे। जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए जरूरी है कि जमीन संसाधन सीमित है, एक सीमा तक ही बोझ ले सकता है। हम सड़क बिजली पानी एक टोला तक पहुंचाते हैं, दूसरे टोला तक फिर दूसरा टोला बस जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, मैं हूं अंकिता सिंह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे बिस्फी के विधायक हरिभूषण प्रसाद। इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। भारतीयता की सोच रख करके 135 करोड़ जनता के हित की सोचना चाहिए। अब छोटी मोटी बातों में अगर हम समय गंवाएंगे तो हमको खोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि मेडिकल में जो रिजर्वेशन है वो तो हम लोगों की जीत है, वो तो गोलवरकर के पद पर चलते हैं। अच्छा, उनकी जीत है तो अपने समय में क्यों नहीं किए? उनके भी पिताजी माननीय लालू जी तो थे रेल मंत्री, मनमोहन सिंह को 10 वर्ष समर्थन किए थे, उससे पहले तो कांग्रेस का विरोध करते थे। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने किए हैं, चाहे वो घर घर बिजली हो, अनाज हो, साइकिल हो, पोशाक हो, चाहे रिजर्वेशन डॉक्टर बनाने की बात हो, इंजीनियर बनाने की बात हो, वार्ड मेंबर बनाने की बात हो, मुखिया बनाने की बात हो, गरीबों को समर्पित है हमारी सरकार। जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों जरूरी है? जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए जरूरी है कि जमीन संसाधन सीमित है, एक सीमा तक ही बोझ ले सकता है। हम सड़क बिजली पानी एक टोला तक पहुंचाते हैं, दूसरे टोला तक फिर दूसरा टोला बस जाता है। इसलिए चीन आज इतना विकास किया पॉपुलेशन कंट्रोल करके। इसलिए सारे भेदभाव, भारत भारतीयता को सोचकर, 135 करोड़ जनता को सोचकर हमको नीति बनाना चाहिए और आने वाले बच्चों के भविष्य की सुरक्षा करनी चाहिए। कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है और आपस के रंजिश के तहत कुछ छिटपुट घटना होती है। अगर कोई घटना किए हैं, हमारे विधानसभा में भी हुआ है, आज मैं प्रश्न उठाऊंगा। मर्डर हुआ है एक स्वर्ण व्यवसायी की, मधुबनी नहीं, मेरे विधानसभा बिस्फी में, सिमरी में हुआ है, उसको उठाएंगे। दोषी कितना भी मजबूत क्यों न हो, पताल से ढूंढ करके उसको सजा दिया जाएगा। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।